इतने लड़ाई झगड़े, डिवोर्सेस, रिफ्ट्स, वॉर्स, न्यूज़पेपर तो भरा ही रहता है, पर इतने सब ज्यादा क्यों हो गए हैं? पहले तो इतने नहीं थे, बढ़ते ही जा रहे हैं डे बाय डे। यू नो, इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि हम आजकल एक दूसरे की बात सुनते ही नहीं है। मैं आपको एक बात सुनाती हूँ, देखती हूँ आप मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं। एक जगह पे दो बिल्डिंग्स थी, एक बिल्डिंग 50 मंजिला थी और एक बिल्डिंग 200 मंजिल थी। और जो 50 मंजिल वाले थे उसमें बहुत अच्छे लोग काम करते थे और वो 100 लोग थे वहाँ पे। और जो 200 मंजिला बिल्डिंग थी वहाँ पे 500 लोग काम करते थे और बहुत खराब लोग थे सब। अब दोनों पे फायर हो जाती है, दोनों बिल्डिंग्स पे। अब हम एम्बुलेंस बुलाते हैं, अब वो कहाँ पहले उसको भेजें? हमें 50 मंजिला बिल्डिंग पे के पास भेजना चाहिए, अच्छे लोगों को बचाना चाहिए, कि हमें 200 मंजिला बिल्डिंग के पास भेजना चाहिए और हमें बुरे लोगों को बचाना चाहिए क्योंकि वहाँ लोग बहुत है, 500 लोग हैं? क्या सोचा आपने? आपने पहली जवाब सोच लिया होगा, कुछ ने सोचा होगा कि 50 वालों को करना चाहिए क्योंकि अच्छे लोग हैं, कुछ ने सोचा होगा कि बुरे लोगों को जाने दो, कुछ ने सोचा होगा नहीं 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 वहाँ ज़्यादा लोग हैं तो हमें शायद उनको बचाना चाहिए, ऐसे ही हुआ ना। अब एम्बुलेंस बुलाई है मैंने, फायर ब्रिगेड नहीं बुलाई। आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ये बात सोची होगी कि एम्बुलेंस क्या करेगी, हमें तो फायर ब्रिगेड चाहिए। अब जिन्होंने ये नहीं सोचा कि ये एम्बुलेंस गलत वर्ड बोल रही है, एम्बुलेंस से क्या होगा, वो तो सब कुछ हो जाएगा, तो वो इसलिए नहीं सोचा क्योंकि उन्होंने पहले ही ये सोचना शुरू कर दिया कि अच्छा, अच्छे लोग, बुरे लोग, कम लोग, ज़्यादा लोग, बड़ी बिल्डिंग, छोटी बिल्डिंग, पहले हमने अपने दिमाग में ताने वाने शुरू कर दिए और आंसर पहले सोचना शुरू कर दिया, ये सोच के कि शायद अब ये पूछेंगे, शायद ये कहेंगे, शायद ऐसा होगा, शायद वैसा होगा। ऐसे ही होता है जब कोई दूसरा हमसे बात करता है तो हम पहले अज्यूम कर लेते हैं, अभी मुझे ये कहना चाह रहा है, अभी मुझे ऐसा करेगा, इसका ये शायद ये मतलब होगा, तो हम पहले अपने माइंड में आंसर सोचना शुरू कर देते हैं। हम दूसरे की बात समझने की कोशिश ही नहीं करते, हमें लगता ही नहीं है कि शायद उसका कुछ और पर्सपेक्टिव हो, या लेट मी फर्स्ट लिसन टू हिम। जब तक हम किसी की बात सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे कैसे? और जब हम समझेंगे नहीं तो झगड़े तो बढ़ेंगे ही। फ्रेंड्स, भगवान ने दो कान दिए और एक टंग, टू ईयर्स वन टंग। हम किसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं? टंग को, कानों को नहीं यूज़ करते। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। अगर हम दो बार ट्वाइस वी हियर एंड वंस वी स्पीक, आई थिंक दुनिया से 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सो लेट्स यूज टू ईयर्स वन टंग प्रॉपरली। थैंक यू।